सिंगाना पुलिस ने मोई मर्डर कांड का किया खुलासा, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोई के पास 5 दिन पहले अज्ञात शव का खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में सिंगाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया कि 5 दिन पहले मोई मोड़ के पास एक युवक की लाश पड़ी हुई थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर खेतरी नगर मोर्चरी में रखवाया था। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए जगह जगह सूचना दी थी। उसी समय रॉयल होटल के सामने एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा मिला। ट्रक की तलाशी ली तो उसमें ट्रक का सामान खरीदने की रसीद मिली। वह रसीद बिलवाड़ा की थी। दुकानदारों के नंबरों पर बातचीत करने के बाद मालूम पड़ा कि 1800 का सामान ट्रक चालक ने खरीदा था। सीसीटीवी फुटेज में भी आया था। वह सीसीटीवी फुटेज सिंगाना थाना अधिकारी के पास भेज, जिस पर शव की शिनाख्त की गई। 24 जनवरी को ही मृतक के पिता रोशनलाल निवासी मेवात ने लड़के की शिनाख्त करते हुए बताया कि मेरा बेटा धर्मपाल उर्फ राजवी ट्रकों पर ड्राइवरी करता था। ट्रक मालिक अमित जाट निवासी मोई व अन्य व्यक्ति ने हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी अमित कुमार व मुकेश कुमार को दस्तयाब कर घटना से पूछताछ की तो हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार धर्मपाल उर्फ राजवीर अमित कुमार के ट्रक पर ड्राइवर करता था, जिसने रास्ते में ट्रक का तेल बेच दिया। इस बात पर ट्रक मालिक अमित कुमार निवासी मोई व साथी मुकेश कुमार निवासी मेघपुर व ट्रक खलासी सोनू उर्फ बक्ता निवासी देवीपुरा ने ट्रक ड्राइवर धर्मपाल उर्फ से कहा कि आपने रास्ते में ट्रक का तेल बेच दिया, जिसमें आपस में कहासुनी हो गई। इस बात पर आरोपियों ने मृतक धर्मपाल उर्फ राजवीर से मारपीट की, जिससे धर्मपाल की मृत्यु हो गई। हत्या के आरोप में अमित कुमार पुत्र बलवीर निवासी मोईपुरानी व मुकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद निवासी मेघपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी गिरफ्तारी के लिए थाना अधिकारी बजनाराम सुभाष लांबा सत्यवीर सिंह रतनलाल रविंद्र चोपड़ा अजय बालोठिया सुरेंद्र काजला विक्रम सिंह की टीम लगी हुई थी, जिसने पर्दाफाश करने के लिए सुभाष लांबा व एचसी सत्यवीर का विशेष योगदान रहा। लाश मिली थी उस मामले में क्या? जैसा कि आप सबको पता है 22 तारीख की सुबह 8 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि मोई सद्दा गांव में मोई मोड़ पे जो एक मृत शव मिला है, उसके बारे में सबसे पहले उसकी शिनाख्तगी के लिए प्रयास किए गए। शिनाख्तगी में हरियाणा के नगीना एसएचओ के द्वारा जब पता चला कि वहाँ का है, तो वहाँ के परिवार वालों ने जब उसकी शिनाख्तगी की आकर, तो उसके बाद से पीएमआर और अन्य कार्रवाई की गई। उनके परिजनों के द्वारा जो एफआईआर दी गई, उसके आधार पर अनुसंधान किया गया और वर्तमान में हमने 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम अमित और दूसरा मुकेश है। ये इसमें अमित ट्रक मालिक था और मुकेश वहाँ पे घटना में साथ में मौजूद था। एक और लड़का आरोपी है, उसकी तलाश हमें अभी जारी है। जी, आरोपी की पहचान कर ली गई है? तीसरे आरोपी की? जी, तीसरे आरोपी की पहचान कर दी गई है। वो मृतक के साथ ही गाड़ी में अहमदाबाद और इस गाड़ी में लगातार चल रहा था, और ये जब वापस आए और अमित इनसे मिला, उस समय इनमें किसी बात को लेकर नोकझोंक हो जाती है और उस समय ये घटना। सर, किस बात को लेकर मर्डर किया गया ये? अभी तक की पूछताछ में ये बात सामने निकल के आई है कि ड्राइवर के द्वारा जब ये पूछा गया कि ड्राइवर को जब मालिक के द्वारा ये पूछा गया कि क्या तूने रास्ते में कोई पेट्रोल की चोरी की है क्या, तो ड्राइवर ने मना कर दिया। फिर बाद में उसने बताया, तो इसी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ है और उसी से उन्होंने लोहे के पाइप से और उसके मारी। क्या शराब पार्टी की थी क्या उन्होंने? जी, उस समय जब ये सब बातें हो रही थी, तो उस समय ये चारों लोग बैठ के शराब पी रहे थे और शराब के नशे में ही इनके द्वारा जो चोट कारित की गई, उसमें से कुछ ऐसी चोटें थी जिससे अगले दिन ड्राइवर मृत मिला।